हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। जैसे आपको पता है, टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है और ये टेस्ट सीरीज रोज सुबह 5 बजे लाइव चलता है। तो 5 बजे सुबह आप हमसे लाइव जुड़ के अपना टेस्ट दे सकते हैं। और यहाँ पे आपको टेस्ट देना काफ़ी ही जरूरी हो चुका है, क्योंकि परीक्षा में आपके बहुत ही कम समय बचा है। टेस्ट ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितना हुआ है और कितना अभी बाकी है। तो टेस्ट आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर दीजिएगा और आप लोग रोज यहाँ पे टेस्ट देने की आदत डाल लीजिए। और आज के इस वीडियो में सभी विषयों से यहाँ पे 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है, जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और लास्ट में आप हमें कॉमेंट करके बताइएगा कि आप 30 प्रश्नों में से कितना सही किए हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन इसका पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहां पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। यहां पे आपको बताना है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 5.6, सी ऑप्शन है 7.4, डी ऑप्शन है यहाँ पे 10.5। रक्त यानी क्या होता है? खून। खून का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है, ये आपको याद रखना है। और ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान यहाँ पे 7.4 होता है। और 7 किसका पीएच मान होता है? तो जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। और यहाँ पे 5.6 किसका पीएच मान होता है? तो जो अम्लीय वर्षा होता है उसका पीएच मान कितना होता है? यहाँ पे 5., यहाँ पे 6 होता है। और 10.5 किसका पीएच मान होता है? तो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, ये भी प्रश्न काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान यहाँ पे 10.5 होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, 2 नंबर प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? ए ऑप्शन है इंग्लैंड, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, डी ऑप्शन है यहाँ पे प्रसा। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो ऑस्ट्रिया देश था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, 3 नंबर प्रश्न है कि हिरोशिमा के रचनाकार हैं। इसमें से आपको बताना है कि हिरोशिमा के रचनाकार कौन हैं? ए ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, बी ऑप्शन है अज्ञेया, सी ऑप्शन है गोपाल सिंह, डी ऑप्शन है यहाँ पे नलिन बिलोचन शर्मा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिरोशिमा के रचनाकार कौन है? तो हिरोशिमा के रचनाकार अज्ञेया है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, 4 नंबर प्रश्न है कि किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? ए ऑप्शन है तांबा, बी ऑप्शन है सोना, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है यहाँ पे चांदी। तो यहाँ पे प्रश्न है कि किस खनिज में भारत सुसंपन्न है, यानी कौन सा खनिज भारत में बहुत ही अधिक होता है। तो कौन सा खनिज भारत में सबसे अधिक होता है? तो जो लोहा होता है वो भारत में सबसे अधिक होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लोहा किस राज्य में, ये भी प्रश्न आता है कि लोहा किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो लोहा किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो जो कर्नाटक राज्य है वहां पर लोहा सबसे अधिक होता है। तो इसे भी आप लोगों को यहां पे याद रखना है। और यहां पे देखिए, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है, तो यहां पे देखिए लोहा का जो खनिज है उसमें भारत क्या है? सुसंपन्न है, यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और आधुनिक सभ्यता का ऋण किसे कहा जाता है? तो लोहे को ही कहा जाता है। तो यह भी आपको यहां पर याद रखना है। आइए देखते हैं यहां पर अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, 5 नंबर प्रश्न मैथ का है, यानी गणित का है। यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो 2 cos 3 थीटा का मान यहाँ पे आपको निकालना है, यानी ये किसके बराबर है आपको बताना है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाया जाता है? तो जो ये थीटा यानी जो कोण का मान दिया है, बस आपको यहाँ पे रख देना है इस थीटे वाले मान पे। तो थीटा बराबर यहाँ पे किया कितना दिया है? यहाँ पे 30 डिग्री दिया है, तो यहाँ भी आपको थीटा के जगह पे कितना रख देना है? 30 डिग्री। उसके बाद आप आसानी से इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम प्रश्न उतार देते हैं, 2 cos यहाँ पे 3 थीटा, थीटा के जगह पे आपको कितना रख देना है? यहाँ पे 30 डिग्री रख देना है। तो यहाँ पे देखिए, 2 cos यहाँ पे 3 है, तो 3 गुणे और थीटा के जगह पे हम कितना लिख देंगे? 30 डिग्री लिख देंगे, क्योंकि ये जो थीटा है किसके बराबर है? तो 30 डिग्री के बराबर है। अब यहाँ पे देखिए, इसको गुणा करना पड़ेगा, तो 30 यहाँ कितना होता है? तो
तो आपको पता होगा तिस्तिया यहाँ पे 90 डिग्री होता है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखना है कि कॉस कितने, 90 डिग्री का मान कितना होता है, बस ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो 0 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और जब दो में आप 0 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 0 होगा। यानी कौन सा ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे पूरा बिल्कुल ही यहाँ पे सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों में बस आपको क्या करना होता है कि जो थीटा का मान दिया रहता है वहां पे यहाँ पे रख दिया जाता है, उसके बाद सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न, ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है। यहाँ पे बताना है कि ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है। ए ऑप्शन है टमाटर में, बी ऑप्शन है संतरा में, सी ऑप्शन है सिरिका में, डी ऑप्शन है यहाँ पे इमली में। तो आपको बताना है कि ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाए जाते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, और वीडियो को साथ में लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, जो वेद होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है। ए ऑप्शन है यहाँ पे 4, बी ऑप्शन है यहाँ पे 5, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है यहाँ पे 2। तो आपको बताना है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो वेद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। वेद कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो ऋग वेद, साम वेद, अजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद होते हैं। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि वेद कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए ये गणित का प्रश्न है 8 नंबर, कि जब यहाँ पे देखिए एपी के प्रथम पद यहाँ पे 1 तथा सार्व अंतर 2 हो, तो एपी के यहाँ पे प्रथम 3 पद लिखे। बोल रहा है कि यहाँ पे एपी के प्रथम पद को किसे सूचित किया जाता है, ए से। ए का मान यहाँ पे कितना दिया है, 1। यानी बोल रहा है कि एपी का प्रथम पद 1 तथा सार्व अंतर 2 हो। सार्व अंतर को किसे सूचित किया जाता है, डी से। यानी डी का मान यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 है। तो बोल रहा है कि एपी के प्रथम 3 पद लिखे, यानी पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद आपको यहाँ पे लिखना है। तो प्रथम पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए होता है। दूसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस यहाँ पे डी होता है। तीसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस यहाँ पे 2d होता है। बस इसी का आपको मान निकाल देना है, और यहाँ पे a और d का मान यहाँ पे दे दिया है, बस आपको रख देना है। यहाँ पे केवल a है, तो a का मान 1 है, तो यहाँ पे रख देंगे 1। यहाँ पे देखिए फिर दूसरा पद निकालना है हमको, तो a प्लस डी करना पड़ेगा। तो a का मान कितना है, 1 है, तो 1 प्लस यहाँ पे d का मान कितना है, 2, तो यहाँ पे रख देंगे 2। अब हमको तीसरा पद निकालना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे, a का मान कितना है, तो यहाँ पे 1 है, तो 1 रख देंगे, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे देखिए 2 है, तो 2 गुणे यहाँ पे देखिए d का मान कितना है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे रख देंगे 2। तो यहाँ पे देखिए 1 और यहाँ पे 2 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3, कोमा यहाँ पे देखिए 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4, और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5। यानी एपी का यहाँ पे प्रथम 3 पद कितना निकला, तो 1, 3 और 5, जो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, बस ये आसान भी था। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न, ये काफी ही महत्वपूर्ण है कि जलवेरिन कैसी संस्था थी, जो जलवेरिन थी वो कैसी संस्था थी आपको बताना है। ए ऑप्शन है क्रांतिकारियों की, बी ऑप्शन है यहाँ पे व्यापारियों की, सी ऑप्शन है विद्वानों की, डी ऑप्शन है यहाँ पे पादरी एवं सामंतों की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जलवेरिन कैसी संस्था थी, तो जलवेरिन यहाँ पे व्यापारियों की संस्था थी। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये प्रश्न काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो ये प्रश्न का जवाब आपको पता होना चाहिए। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न, ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि यदि क्यूब बराबर 45 डिग्री हो, तो टेन स्क्वायर क्यूब प्लस 1/sin² क्यूब का मान ज्ञात करें। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, आपको क्या करना है इस प्रश्न में, कि यहाँ पे देखिए क्यूब का मान कितना दिया है, 45 डिग्री, तो यहाँ भी क्यूब की जगह पे 45 रख देना है, और यहाँ भी क्यूब की जगह पे 45 डिग्री रख देना है। जैसे ही रखिएगा आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम प्रश्न उतार देते हैं, 10² क्यूब प्लस 1/ यहाँ पे sin² यहाँ पे क्या है, क्यूब है। यहाँ पे रख दीजिए क्यूब का मान कितना दिया है, यानी क्यूब का वैल्यू कितना दिया है, 45 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे 10² यहाँ पे 45 डिग्री प्लस
प्लस यहाँ पे देखिए एक बटा यहाँ भी क्यूब की जगह पे 45 रख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर 45 डिग्री। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे टेन 45 का मान आपको पता होना चाहिए और साइन यहाँ पे 45 का मान पता होना चाहिए, आपको बस यहाँ पे रख देना है। टेन 45 का मान होता है एक और इसका स्क्वायर है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे स्क्वायर प्लस एक बटा साइन 45 का मान कितना होता है, तो एक बटा यहाँ पे √2 होता है और इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे एक का स्क्वायर एक होगा प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ऊपर में एक, और यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे एक का स्क्वायर करेंगे तो एक हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए जब √2 का स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि √2 √2 दो बार गुणा, तो √2 √2 गुणा होगा तो √4, और √4 का वर्गमूल कितना होगा 2, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो ये मेन बट्टा है इसको आपको तोड़ना है, तो मेन बट्टा को तोड़ने पर क्या होता है जो ये नीचे वाला है वो ऊपर चला जाता है, और ऊपर वाला कहाँ चला जाता है नीचे, तो यहाँ पे देखिए एक प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बटा तोड़ेंगे यानी एक पहले से, तो एक गुणे ये चला जाएगा दो ऊपर और एक कहाँ चला आएगा नीचे। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक प्लस यहाँ पे दो में एक से गुणा हो जाएगा, तो दो और बट्टा के नीचे एक का मतलब क्या होता है दो ही होता है, दो और एक जोड़िएगा तो कितना होगा यहाँ पे 3 होगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बस आपको क्या करना है जो क्यूब का मान दिया है यहाँ पे क्यूब की जगह पे आपको रख देना है, उसके बाद यहाँ पे आपको 45 का मान पता होना चाहिए, साइन 45 का मान पता होना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन है आप लोग कर दीजिएगा, ये आसानी से निकल जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्व किसके आवर्ती फलन होता है। ए ऑप्शन है परमाणु संख्या के, बी ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान के, सी ऑप्शन है यहाँ पे परमाणु आकार के, डी ऑप्शन है घनत्व के। तो मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाया था उसमें तत्वों को रखा था, तो वो तत्व किसके आवर्ती फलन थे यानी किसके अनुसार वो सजा के रखे थे, तो वो परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से सजा के रखे थे, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया है, तो मोसले ने बनाया है, और उसमें तत्वों किसके आवर्ती फलन होते हैं यानी किस हिसाब से उसमें तत्वों को रखा गया है, तो परमाणु संख्या के यहाँ पे आधार पे उसको रखा गया है, तो ये भी आपको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए और ये भी आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया। ए ऑप्शन है रूस, बी ऑप्शन है ब्रिटेन, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, डी ऑप्शन है यहाँ पे फ्रांस। तो पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया, तो पोलैंड के विद्रोह को यहाँ पे रूस ने कुचल दिया, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है। जो ये संसार है ये किसके द्वारा अनुशासित है आपको बताना है। ए ऑप्शन है मनुष्य के द्वारा, बी ऑप्शन है वीरों के द्वारा, सी ऑप्शन है परमाताओं के द्वारा, डी ऑप्शन है यहाँ पे दानव के द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो पूरी संसार है ये किसके द्वारा अनुशासित है, तो ये किसके द्वारा अनुशासित है, तो परमात्मा के द्वारा यहाँ पे अनुशासित है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, और आप लोगों को लिए टेस्ट देना भी आपको अब बहुत ही जरूरी हो चुका है क्योंकि बोर्ड एग्जाम काफी ही नजदीक में है, और टेस्ट ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आपको पता चलेगा कि आप यहाँ पे कितना आपकी तैयारी हुई है, कितना और अभी अब आपकी बाकी है, तो टेस्ट से ही ये पता चलता है। तो टेस्ट यहाँ पे रोज सुबह 5 बजे होता है, तो 5 बजे आप हमसे लाइव जुड़ के अपना टेस्ट यहाँ पे दे सकते हैं। काफी ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है, और ये सभी प्रश्न 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए ही काफी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न की सखी का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे बताना है सखी यानी साक्षी, साक्ष यानी यहाँ पे सखी का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे साक्ष, साक्ष का अर्थ क्या है यहाँ पे आपको बताना है। ए ऑप्शन है यहाँ पे मित्र, बी ऑप्शन है गवाही, सी ऑप्शन है यहाँ पे बंधु, डी ऑप्शन है यहाँ पे विश्वासी। तो यहाँ पे आपको बताना है सखी यानी साक्ष का अर्थ क्या हो, तो इसका अर्थ क्या होता है गवाही होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, आप देखिए 15 नंबर प्रश्न है और ये काफी महत्वपूर्ण है और आसान भी है कि बहुपद 2 - 2x² + 3 यहाँ पे x³ में x² का गुणांक लिखिए। बोल रहा है कि यहाँ पे बहुपद 2 - 2x² + x³ में यहाँ पे x² का गुणांक आपको लिखना है। तो x² का गुणांक, ये गुणांक क्या होता है, जो x² में गुणा करता है वही इसका क्या होता है, गुणांक होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि x² का गुणांक लिखिए, तो x² में कौन गुणा कर रहा है, तो x² में यहाँ पे 2 गुणा कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस आगे है, तो चिन्ह भी आपको लेना काफी ही जरूरी है, यानी x² का गुणांक क्या है, तो यहाँ पे -2 है, तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, x² का गुणांक क्या है, यहाँ पे -2 है। उसके बाद अगर पूछ दे इसी में कि x³ का गुणांक लिखिए, तो यहाँ पे देखिए x³ में तो कुछ भी नहीं गुणा कर रहा है, जहां पे कुछ भी नहीं गुणा कर रहा है वहां पे क्या होता है, 1 होता है, और इसके आगे प्लस है, तो प्लस वैसे नहीं लिखा जाता है, यानी x³ किसके, x³ का गुणांक क्या है, तो 1 है, तो यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाता है। यहाँ पे पूछा था कि x² का गुणांक क्या है, तो x² का गुणांक यहाँ पे क्या है, -2 है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, आप देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, जो सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है वो किस दर्पण का होता है। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण, सी ऑप्शन है समतल दर्पण, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो किस दर्पण का होता है, तो वो अवतल दर्पण का होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ पे होता है, तो किसी भी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब में, और प्लस यहाँ पे मोटर गाड़ी के जो साइड मिरर में होता है, उत्तल लेंस का यहाँ पे प्रयोग होता है। और अवतल यहाँ पे दर्पण का प्रयोग कहाँ पे होता है, तो जो हम हजामत बनाते हैं या दाढ़ी बनाते हैं उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, फेस देखने के लिए, तो अवतल दर्पण का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है हजामत या दाढ़ी बनाने में। और समतल दर्पण का उपयोग कहाँ पे होता है, तो जो हमारे घरों में शीशे होते हैं, ऐनक होता है जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, वो क्या होता है, वो दर्पण कौन सा होता है, तो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण में ही अपना हम वास्तविक प्रतिबिंब देखते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होती है। यहाँ पे बताना है कि जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है। ए ऑप्शन है ग्राम यानी गांव में, बी ऑप्शन है कस्बा में, सी ऑप्शन है नगर में, डी ऑप्शन है यहाँ पे महानगर में, यानी आपको बताना है कि कहाँ पे सबसे अधिक लोग रहते हैं, जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, यानी कम कम क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा लोग कहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि महानगर में कम क्षेत्रफल में बहुत ही ज्यादा लोग रहते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, ये सब क्या हो गया, मुंबई हो गया, कम क्षेत्रफल रहेगा लेकिन उसी में बहुत ही ज्यादा लोग रहते हैं, उसे ही यहाँ पे जनसंख्या घनत्व बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ पे होता है, तो ये महानगरों में होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आप देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि जो घरेलू परिपथ होता है उसमें उदासीन तार, एक तो विद्युत धनात्मक तार होता है, एक उदासीन तार होता है, तो उदासीन तार का रंग कैसा होता है आपको बताना है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है हरा, सी ऑप्शन है काला, डी ऑप्शन है यहाँ पे पीला। तो घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है, तो ये काला होता है, आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो लाल तार होता है वो कैसा होता है, तो वो धनात्मक तार होता है, जिसमें विद्युत होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, धनात्मक तार, यानी जो यहाँ पे जिस जो धनात्मक तार होता है उसका रंग कैसा होता है, तो लाल होता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि भूकंप किस प्रकार की आपदा है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो भूकंप है वो किस प्रकार की आपदा है। ए ऑप्शन है वायुमंडलीय आपदा, बी ऑप्शन है जलीय आपदा, सी ऑप्शन है प्राकृतिक आपदा, डी ऑप्शन है यहाँ पे महामारी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो भूकंप होता है ये किस प्रकार की आपदा है, तो भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो भूकंप होता है वो एक प्राकृतिक आपदा होता है, जो प्रकृति के द्वारा घटता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक आपदा। जैसे यहाँ पे सुनामी हो गया, बाढ़ आ गया, सुखाड़ा हो गया, भूकंप हो गया, ये सभी क्या है, यहाँ पे प्राकृतिक आपदा है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए
20 नंबर प्रश्न है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक ज्ञात करें। यहाँ पे इसका शून्यक आपको क्या करना है, निकालना है। जब आप इसका गुणनखंड करके x का दो मान निकालिएगा वही इसका शून्यक होता है, तो इसमें आपको बहुत ही ज्यादा समय लग जाएगा और बोर्ड परीक्षा में आपको यहाँ पे निर्धारित समय दिया रहता है कि उसी में आपको बनाना होता है। तो इसे आप लोग जल्दी कैसे सोल्व कीजिएगा, तो शून्यक क्या होता है, तो ये जो शून्यक होता है ये द्विघात बहुपद है तो इसके दो शून्यक होंगे, यानी एक्स का यहाँ पे दो मान निकलेगा और जो दोनों मान होगा इसमें रखा जाएगा फिर x के जगह पे दोनों ही मान, तो दोनों में ही क्या आएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा, तो जीरो आएगा। यानी शून्य किसी को बोला जाता है कि जो x का मान निकलता है फिर वही x इसमें रखा जाता है x के मान और इसको सॉल्व किया जाता है तो वहां पे कितना मान आता है, जीरो, वही इसका क्या होता है, शून्य। तो यहां पे देखिए शून्य यहां पे दिया है लेकिन इसमें से कोई एक ही शून्य सही है, तो हम एक एक करके यहां पे चेक कराएंगे। तो आपको क्या करना है, बस यहां पे देखते रहिए, प्रश्न उतार लिए, फिर आपको क्या करना है, एक्स के जगह पे यहाँ पे आपको माइनस एक रख देना है। अगर जीरो आता है तो यहाँ पे आपको दूसरे वाले को भी यहाँ पे चेक करा लीजिए, इस पे भी आता है तो आप लोग टिक लगा दीजिए कि ये शून्य है। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स का मान कितना है, यहाँ पे हम मान लिए हैं कि एक है, यानी माइनस एक का यहाँ पे स्क्वायर, यानी जहां जहां एक्स है वहां वहां आपको माइनस एक रख देना है। प्लस है तो प्लस, तीन है तो तीन गुणे एक्स के जगह पे फिर हम कितना रख देंगे, यहाँ पे माइनस एक रखेंगे, प्लस यहाँ पे दो है तो दो। अब माइनस एक का यहाँ पे दो बार जब गुणा किया जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक में एक से गुणा होगा तो एक हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस तीन में एक से गुणा होगा तो यहाँ पे तीन और प्लस यहाँ पे दो। तो यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं चिन्ह है आगे, तो यहाँ पे क्या है प्लस, यानी प्लस एक और प्लस दो ये कितना हो गया, प्लस तीन और माइनस तीन घटेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे जीरो। यानी ये जो पहला है ये इसका शून्य है और दूसरा भी हम इसका चेक कर लेते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस यहां पे 2। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का मान आप कितना रखना है, आपको यहाँ पे माइनस दो रखना है, तो यहाँ पे माइनस दो प्लस यहाँ पे देखिए तीन गुणे फिर यहाँ पे माइनस दो और प्लस यहाँ पे दो है तो यहाँ पे रख देंगे दो। तो फिर देखिए यहाँ पे माइनस दो दो बार गुणा होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और दो दूना कितना हो जाएगा, चार। और यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, और तीन दूना कितना हो जाएगा यहाँ पे, छः। और प्लस दो यहाँ पे भी आगे कुछ नहीं है तो ये भी प्लस है, चार और दो कितना हो जाएगा, छः माइनस छः, ये भी कितना हो जाएगा यहाँ पे, जीरो। यानी ये क्या है, इसका शून्य है। तो आप लोग ऐसे यहाँ पे निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल आप लोगों को ऐसे ही निकालना है कि कौन इसका शून्य है कौन नहीं है। बस आपको क्या करना है कि पहला यहाँ वैल्यू रख के देख लेना है, जीरो आ रहा है तो हो जाएगा, बस आपको यहाँ पे 2 सेकंड लगेगा, हम समझा रहे थे तो इतना टाइम लग गया। आप जब ऐसे कीजिएगा तो मात्र 2 से 5 सेकंड लगेंगे, आप लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं कौन इसके शून्य है कौन इसके शून्य नहीं है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। शून्य कब पता चलेगा, जब यहाँ पे उसका मान रखा जाए एक्स का और वो बहुपद क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो वही उसका क्या होता है, शून्य होता है। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न है कि सूर्य और तारों में ऊर्जा का विशाल स्रोत क्या है। ए ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, बी ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, सी ऑप्शन है यहाँ पे दोनों, डी ऑप्शन है यहाँ पे भौतिक परिवर्तन। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि सूर्य और तारों में ऊर्जा का विशाल स्रोत क्या है। तो सूर्य और तारों में ऊर्जा का विशाल स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आइए देखते हैं पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 22 नंबर प्रश्न कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है। यहाँ पे बताना है कि जो प्राणी होते हैं उनमें उनके शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा यहाँ पे निहित होता है। तो इस प्रश्न में सभी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो आज आपको कंफ्यूजन दूर कर लेना है। यहाँ पे ए ऑप्शन है 55%, बी ऑप्शन है 60%, सी ऑप्शन है 65%, डी ऑप्शन है यहाँ पे 70%। तो प्राणियों के शरीर में कुल कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होता है, तो 65% यहाँ पे जल की मात्रा निहित होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 70 नहीं होता है, 60 नहीं होता है, बोर्ड कितना मानता है, तो यहाँ पे 65% मानता है, इसी को वो सही करता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि 65% पे ही टिक लगाना है, ना ही आपको 70% पे लगाना है, ना ही आपको 60% पे लगाना है, आपको टिक कितने पे लगाना है, तो यहाँ पे 65% पे ही लगाना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, जो विद्युत बल्ब होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है। ए ऑप्शन है
निर्वात, बी ऑप्शन है वायु, सी ऑप्शन है निष्क्रिय, डी ऑप्शन है यहाँ पे हाइड्रोजन। तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो विद्युत बल्ब में यहाँ पे निष्क्रिय गैस भरी जाती है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो विद्युत बल्ब का ये जो टंगस्टन होता है, तो जो ये विद्युत बल्ब का ये जो टंगस्टन होता है ये वाला, ये किसका, ये जो जो विद्युत बल्ब होता है इसका जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है, जो ऐसे ऐसे होता है, ये यही है इसका टंगस्टन और यही है इसका फिलामेंट, और ये फिलामेंट किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न है कि सीता को अपने घर में कैसा महसूस होता है। ए ऑप्शन है घुटन, बी ऑप्शन है आनंद, सी ऑप्शन है सुख, डी ऑप्शन है यहाँ पे दुख। तो सीता को अपने ही घर में कैसा यहाँ पे महसूस होता है, तो सीता को अपने ही घर में यहाँ पे घुटन सी महसूस होती है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण था आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न है कि यदि समीकरण 8x + 4y = 56 में y = 10 है तो एक्स का मान ज्ञात करें। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, ऐसा प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। बोल रहा है कि यहाँ पे कि 8x + 4y = 56 है, तो y का मान यहाँ पे दे दिया है कि y बराबर आप हमसे 10 ले लीजिए, तो x का मान यहाँ पे निकाल दीजिए। तो आपको क्या करना है कि इस समीकरण में y का मान यहाँ पे 10 रख देना है, यानी जहाँ y है वहाँ आपको 10 रख देना है, और आराम से आप यहाँ पे x का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 8x + यहाँ पे 4 और y की जगह पे हम कितना लिख देंगे, 10 लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख दिए 10 बराबर उधर हो गया 56। तो यहाँ पे देखिए 8x + यहाँ पे 4 में 10 से गुणा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 40 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 56। अब हमको ये x का मान निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ पे 40 को बराबर के उधर भेजना पड़ेगा, तो 40 इधर जोड़ रहा है तो बराबर के उधर जाएगा तो घटाएगा, यानी 8x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 56 और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 40, यानी 8x बराबर कितना हो जाएगा 56 में से यहाँ पे 40 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 16 बचेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 8 इधर गुणा कर रहा है, हमको x का मान चाहिए, 8 इधर गुणा कर रहा है तो उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 16/8 कटेगा, तो 8 दुना कितना हो जाएगा यहाँ पे 16, यानी x का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पे d ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे x बराबर यहाँ पे 2, यहाँ पे x का मान कितना निकल गया 2, जो बिल्कुल ही यहाँ पे सही जवाब है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न है कि नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने के लिए करने में प्रयुक्त होता है। ए ऑप्शन है लोहे का छड़, बी ऑप्शन है स्टील का छड़, सी ऑप्शन है कैडमियम का छड़, डी ऑप्शन है यहाँ पे एल्यूमिनियम का छड़। तो नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने के लिए इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो कैडमियम के छड़ को यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 27 नंबर प्रश्न है कि बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है, इसमें आपको बताना है कि बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना कौन सा है। ए ऑप्शन है दामोदर नदी घाटी परियोजना, बी ऑप्शन है भाखड़ा नांगल नदी घाटी परियोजना, सी ऑप्शन है रिहंद नदी घाटी परियोजना, डी ऑप्शन है यहाँ पे सोन नदी घाटी परियोजना। तो यहाँ पे आपको बताना है बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना कौन सी है, सोन नदी घाटी परियोजना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 28 नंबर प्रश्न है कि माँ कहानी के कहानीकारक कौन है। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि माँ कहानी के कहानीकारक कौन है। ए ऑप्शन है सुजाता, बी ऑप्शन है ईश्वर पिटलीकर, सी ऑप्शन है सांवर दहिया, डी ऑप्शन है यहाँ पे लक्ष्मी। तो माँ कहानी के कहानीकारक कौन है, तो माँ कहानी के कहानीकारक कौन है, ईश्वर पिटलीकर जी हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 29 नंबर प्रश्न है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है बल, बी ऑप्शन है शक्ति, सी ऑप्शन है ऊर्जा, डी ऑप्शन है यहाँ पे ईंधन। तो कार्य करने की क्षमता को क्या बोला जाता है, तो कार्य करने की क्षमता को यहाँ पे ऊर्जा बोला जाता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 30 नंबर प्रश्न, ये मैथ का है कि विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होंगे। अगर कोई यहाँ पे देखिए विरोधी समीकरण युग्म है, यानी विरोधी यानी जिसे हम लोग प्रतिच्छेदी भी बोलते हैं, तो ऐसा समीकरण युग्म है तो कितने हल होंगे। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो यहाँ पे प्रतिच्छेदी होता है समीकरण उसका कितना हल निकलता है, तो इसका एक ही हल निकलता है,
यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो विधेय जो विरोधी समीकरण युग्म है ये कैसा होता है, तो ये संगत होता है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है। और विरोधी कब बनता है, तो यहाँ पे देखिए ए वन बटा ए टू जब बराबर नहीं बी वन बटा बी टू होता है तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे विरोधी समीकरण युग्म बनता है, जिसमें इसका कितना हल होता है, तो एक हल होता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आप यहाँ पे 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख चुके हैं। अगर आप लेट जुड़े हैं किसी कारणवश तो आप लोग इस वीडियो को एक बार फिर से शुरू करके देख लीजिए, क्योंकि 30 जो प्रश्न हम करवाए हैं वो काफी ही महत्वपूर्ण है 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो एक बार प्लीज आप लोग देख लीजिएगा और वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न यहाँ पे देखिए, 2 cos थीटा बराबर यहाँ पे √3 हो तो थीटा का मान निकालें। यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको थीटा का मान निकाल देना है। ये प्रश्न आपको कितनी बार हम आपको बता चुके हैं, ए ऑप्शन है 45 डिग्री, बी ऑप्शन है 30 डिग्री, सी ऑप्शन है यहाँ पे 90 डिग्री, डी ऑप्शन है यहाँ पे 60 डिग्री। तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि ए बी सी ऐसे कॉमेंट करके नहीं बताना है, आपको पूरा ऑप्शन लिख के यहाँ पे भेज देना है हमारे पास। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जो 10वीं तैयारी कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबाना बहुत ही जरूरी होता है। जब तक आप ऑल पे नहीं दबाइएगा तब तक आपके पास कोई भी क्लास होगा तो उसका नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब के साथ साथ ही आपको क्या करना है, बेल आइकन को ऑल पे दबा लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।